नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक्स के एक नए प्रोग्राम में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अखिल चौधरी। तो गाइज़ आप देख रहे होंगे मैं ऐसे क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो बात गाइज़ ऐसी है कि मैंने आपसे वादा करा था और मेरे अपने वादे पे मैं खरा नहीं उतर पाया हूँ। और यार मेरे एरिया पे यार जियो का इंटरनेट मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी। एक भी वीडियो नहीं डलते यार, 50 KB की स्पीड आती है भाई, अपलोडिंग स्पीड आती है 100 KBPS। मैं पता नहीं कहाँ से अपलोड करता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। इतनी ट्रैफिक हो रखी है जियो के सिग्नल पे भाई। पूछो मत भाई, बहुत दिक्कत आ रखी है मुझे तो बहुत ज़्यादा। चलो दिक्कतें तो आती रहेंगी, आपको वीडियो की अपडेट आती रहेगी। तो गाइज नमस्कार दोस्तों, तो गाइज आपको मैंने कुछ वादा करा था कि मैं आपको 6 बजे वीडियो डालने वाला हूँ। तो बात भाई गाइज, एक तो बात ये है कि भाई ये वीडियो रॉ बनेगी, पूरी रॉ बनेगी, जैसे भी आप वैसे बनेगी। मेरा मूड बहुत भाई ख़राब हो रखा है, मैं कम से कम 5 बजे का अपलोड करने को लगा हूँ, 7 बज चुके हैं भाई। इंटरनेट का कुछ नहीं आया, वीडियो करप्ट होगी, आधी डलती आधा नहीं डलती, बीच में डलती रहती है, 2 KBPS की स्पीड आ रही है, 3 KBPS की स्पीड आ रही है, और मेरा दिमाग फट के बहुत बुरा हाल हो गया। मैंने आपको वादा करा था 6 बजे तो मैं उतर नहीं पाया, तो इसके लिए सॉरी। वीडियो नहीं डल रही है रोज़ की रोज़, उसके लिए सॉरी। तो बात भाई ऐसी है कि मेरे यार पेपर आने वाले थे, मैं अब तो अगर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब मेरे पेपर थोड़े एक्सटेंड हो गए, मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा तब तक के लिए। तो बने रहिए इस चैनल पे गाइस, आगे मैं आप बहुत अच्छी वीडियो आपको देने वाला हूँ आगे जो दिनों में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। मेरे से गाइस एडिटिंग करने का भी अब मन नहीं कर रहा भाई, बहुत दुखी हूँ यार इंटरनेट से बहुत ज़्यादा। तो गाइस बात ऐसी है कि पहला अपडेट आता है हमारा कारगिल की तरफ से। गाइस कारगिल लड़ाई वाला कारगिल नहीं, जो हमारे जम्मू J&K में है। कारगिल एक कंपनी है गाइस, जो कि चॉकलेट इंडस्ट्री है, जो कि उन्होंने अपना नया प्लांट लगाया, जो कि एशिया में लगाया है, वो है इंडोनेशिया में। तो गाइस थोड़ा मैं साइड हटना चाहता हूँ इस टॉपिक की, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि यार कि अगर कोई यूरोप की इंडस्ट्री हमारे एशिया में मतलब कि प्रेफरेंस देती है कि एशिया में कोई फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो वो हमेशा इंडोनेशिया में ही क्यों करती है? इंडोनेशिया हो गया, चाइना में क्यों करती है? हमने इंडिया में क्यों नहीं करती यार? इंडिया में भी कुछ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना, कि इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है बाहर की कंट्रियों में कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है। मेरे हिसाब से ये लगता है कि क्योंकि बाहर के जो इन्वेस्टर है वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट हो, और उन्हें कम से कम मतलब कि उन्हें कम से कम सरकार को देना पड़े। और अपनी गवर्नमेंट ऐसी हो रखी है जो कि पूछो मत भाई। तो आपको क्या लगता है, एक मेरे को कमेंट करके बताना कि मोदी सरकार इस बार फेल हो चुकी है या पास हो चुकी है? मेरे हिसाब से तो फेल हो चुकी है। तो गाइस अगला अपडेट आता है हमारा एक स्टडी को लेके। गाइस स्टडी एक ऐसी है कि बेक्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं जो, तो बेक्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं गाइस आजकल अपेंडिंग में सभी ने बनाया, सभी ने लगभग, मतलब कि हर एक अपने गुआंडियों से आपने पूछा होगा कि आपने क्या कुछ बना के देखा है, तो उन्होंने सब कुछ बनाया होगा अपने घर में, सब कुछ इस अपेंडिंग में। तो ज़्यादातर ये स्टडी आ रही है कि आगे कि अब ज़्यादातर जो न्यूट्रिटिव स्नैक फूड है उसकी थोड़ा बढ़ने वाली है सेल, और ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि बाहर से नहीं लें, वो खुद ही बना लें घर पर, क्योंकि सब कुछ तो ट्राई कर चुके हैं लगभग। तो गाइस इसके आगे न्यूज़ आती है कि जैसे गाइस US में बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री है जो कि बंद हो चुकी है COVID-19 की तरह, क्योंकि गाइस जो इंडस्ट्री में जो लोग थे वो हो चुके थे, मतलब कि इन्फेक्शन हो चुकी थी उन्हें COVID-19 की। हर इन्फेक्शन बोल रहा हूँ, फ्लू हो चुका था पूरी इंडस्ट्री में, वर्कर्स को तो पूरी फैक्ट्री शट डाउन करनी पड़ी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया में कोई भी ऐसी एक फैक्ट्री नहीं है जिसमें ये चांस हुआ हो कि COVID-19 की वजह से सारी फैक्ट्री बंद हो गई हो। इसके लिए हिट लाइक भाई, इसके लिए हिट लाइक, बहुत अच्छा प्रोसीजर फॉलो करा है इंडिया की कंपनियों ने। तो गाइस इससे अगर अपडेट आता है कि हमारे 26 जनवरी को वर्ल्ड रेफ्रिजरेंट डे बनाया जाता है। तो गाइस वर्ल्ड रेफ्रिजरेंट डे बहुत डे होता है, जैसे कि उन्होंने बताया है कि कैसे हम रेफ्रिजरेशन डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, और साथ ही साथ में ये बताया है कि आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल और अदा करने वाला है हमारी फूड इंडस्ट्री में। तो गाइस अगला अपडेट आता है कि जो हमारी स्नैक फैक्ट्रियों से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा नुकसान, एक बेकरी इंडस्ट्री होगी, एक मीट इंडस्ट्री होगी, एक स्नैक इंडस्ट्री होगी, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है भाई ये। सॉरी गाइज मैं वीडियो थोड़ा ऐसे डाल रहा हूँ, बस ये गाइज यही थी आज की अपडेट। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, मेरी थोड़ी सी भी मेहनत लगी हो, तो आपको ये वीडियो मेरे को लगता है 8 से 9, 10, 11 बजे मिल जाएगी। तो हिट लाइक कर देना यार मेरी मेहनत को, थोड़ा सा देख लेना यार, मैं बहुत देर का अपलोड कर रहा था, मेरी करप्ट हो गई यार फाइल, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रही है अब। चलिए गाइस मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में,
जय हिंद, वंदे मातरम।